नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी भी किम जोंग की तरह विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करती है। बिहार के पुलिस महानिदेशक आर एस भट्टी की नियुक्ति के बाद डीजीपी पद के लिए आईपीएस विनय कुमार सबसे आगे माने जा रहे हैं। विनय कुमार, जिनकी ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक लॉबी में अच्छी पकड़ है। गौतम अदानी और उनका परिवार हुरून की 2024 इंडिया की अमीरों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी संपत्ति में 95% की वृद्धि के साथ ये 11.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अदानी समूह के इस शानदार वृद्धि ने उन्हें भारतीय अमीरों की सूची में शीर्ष पर लाकर खड़ा किया है। एनआईए ने बुधवार को बेगूसराय के बछवाड़ा में सीपीआईएम नेता बिहारी पासवान के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पासवान और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई दक्षिण भारत में नक्सलवाद से जुड़े एक मामले के सिलसिले में की गई है। एनआईए ने बेगूसराय और गया जिले में कुल 9 स्थानों पर छापे मारे हैं। पासपोर्ट विभाग का पोर्टल आज रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह तक तकनीकी रखरखाव के कारण बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान पासपोर्ट से संबंधित सभी सेवाएं जैसे नए पासपोर्ट का आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रभावित होंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल अकादमी का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एंटी रेप लॉ लाएगी, जिसके तहत रेप और मर्डर के आरोपियों को मौत की सजा दी जाएगी। बिहार में लगभग 500 किलोमीटर एनएच का निर्माण काम वन विभाग की भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण ठप पड़ा है। 11 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है, जिससे राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति में चिंताजनक बनी हुई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में शिशु गृह का उद्घाटन किया, जिसमें बच्चे के खेलने, सोने और भोजन करने की सुविधाएं हैं। ये पहल महिलाओं को न्यायिक क्षेत्र में अधिक एक्टिव रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए की गई है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे भारत जोड़ो के दौरान जीवू जित्सु की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी ने बताया कि अब वे भारत डोजो यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस नए अभियान के तहत विदेश भर में मार्शल आर्ट्स के प्रचार प्रसार पर ध्यान देंगे। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, जिसमें सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज एफआईआर और आरोप रद्द करने की दलीलों पर नोट दाखिल करने का समय दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने उन्हें 2 हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं और अपराधियों को घर के अंदर पोषित करते हैं। डीजीसीए ने एल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के उड़ान प्रशिक्षण संगठन की मंजूरी निलंबित कर दी है। बता दें कि हाल ही में हुए विमान दुर्घटना में प्रशिक्षक और प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाद की गई विशेष सुरक्षा ऑडिट में कई गंभीर खामियां पाई गई। डीजीसीए ने इन खामियों के चलते लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया है। बिहार में पुलों के लगातार गिरने की घटनाओं के बाद नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू की है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इससे क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस घटना में 3 महिला नक्सली मारे गए और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। मुठभेड़ नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा पर हुई। बिहार सरकार ने स्कूलों में समय पर हाजिरी लगाने के लिए जीपीएस आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू किया है, जो अक्टूबर से सभी अध्यापकों के लिए अनिवार्य होगा। अब तक 80% शिक्षक इस प्रणाली में रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
शेयर बाजार में लगातार तेजी जारी है। गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लगाकर इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 82,220.68 अंक का स्तर छुआ, जबकि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 25,174.55 अंक को टच किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बीपीएससी TRE3 के जनरल स्टडीज और लैंग्वेज पेपर की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। यह आंसर की क्लास 1 से 5 तक के कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध है। अभ्यर्थी आंसर की डाउनलोड करने के लिए bpsc.bih.nic.in पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी और खेलों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने युवाओं को खेलों में भाग लेने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित किया। बिहार सरकार ने बुधवार को 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें से 11 अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। तबादला किए गए अधिकांश अधिकारी 2019 और 2020 बैच के हैं। भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने विवादित बयान के बाद पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि विवादित बयान को लेकर कंगना को BJP के शीर्ष नेतृत्व ने तलब किया था। ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम मानी गई। IGIMS में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस शिकायतों के मद्देनजर निजी जासूसों से सबूत जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नेत्र रोग विभाग में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और 1200 और 500 बेड के लिए अस्पतालों के निर्माण की योजना पर निर्णय लिया गया। यह बैठक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की उपस्थिति में आयोजित की गई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 30 फीट की प्रतिमा गिर गई, जिससे महायुति सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि मूर्ति के निर्माण में भ्रष्टाचार के कारण ये घटना हुई है। राउत ने सवाल उठाया कि ठेकेदारों से कमीशन किसे मिलता है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर कहा कि फिट और स्वस्थ रहने के लिए हर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार रोजाना 1 घंटा खेलना चाहिए। मंत्री ने इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसमें अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर प्रतिबंध रहेगा। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कटाक्ष किया, कहा कि ये सत्य को दबाने का एक तरीका है और लोकतंत्र और संविधान की भावना का उल्लंघन करती है। TRAI ने सिम कार्ड्स के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसमें वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है और एक व्यक्ति के नाम पर सीमित संख्या में सिम कार्ड्स हो सकते हैं। नए नियम के तहत 50 से अधिक कॉल्स या SMS करने वाले सिम कार्ड्स की जांच की जाएगी और फर्जी गतिविधियों में शामिल सिम कार्ड्स को ब्लॉक किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीप फेक तकनीक को समाज के लिए गंभीर खतरा मानते हुए सरकार को इसके नियमन पर तत्काल विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल AI की तकनीक ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। फोनपे के IPO की योजना UPI रेगुलेशंस में हालिया बदलाव के कारण टल सकती है। CEO समीर निगम ने कहा कि 30% मार्केट शेयर कैप नियम से IPO पर असर पड़ा है। नियम के अनुसार जब तक रेगुलेशन में अस्पष्टता नहीं होगी, कंपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं हो सकती। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का एक वायरल वीडियो, जिसमें वे शुभमन गिल पर भड़कते हुए दिख रहे हैं। बता दें, ये वीडियो असली नहीं है, ये वीडियो AI तकनीक से बनाया गया है और फर्जी है। इस वीडियो को लेकर फैंस और मीडिया को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। जो लोगों ने कमेंट किया है उनके नाम है रामायण सिंह, नूनू गोलू, सतीश कुमार, राम बाबू दास, तेज कुमार, सपना कुमारी, नौशाद राजा, रुमन तिवारी। और बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके लिए, एक आदर्श दोस्त में कौन कौन सी गुण होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर दें। नमस्कार।